तो गाइस आज हम लोग कार्टून के नाम गेस करने वाले हैं और वो भी कार्टून के कैरेक्टर्स को देख के कि वो वाला कार्टून कैरेक्टर कौन से वाले कार्टून में था। जैसे कि अभी इस कैरेक्टर को देखो, इस कैरेक्टर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस शो का नाम है इंस्पेक्टर चिंगम। यस गाइस, तो पहला वाला कैरेक्टर देखो और बताओ मुझे कि ये कौन से कार्टून में था, उसका नाम बताओ मेरे को। ये एकदम मेन कैरेक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स मैं मेन कैरेक्टर दे दूंगा तो तुम लोग छत छत से आंसर बताओगे। ये काफी पॉपुलर है, इस पे एक गाना भी था यार, मतलब गाना है का, वो गाना बजने लग जा रहा है। तुम लोग जानते हैं इस कार्टून का नाम तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। यस गाइस, ये एक बंदर है और ये है जग्गू बंदर। और ये कौन से में था? छोटा भीम में। छोटा भीम और इसका क्या, जग्गू बंदर मस्त कलंदर वो जो गाना था वो सबसे सही गाना था। क्या तुम लोगों ने ये कार्टून कैरेक्टर गैस कर लिया था? आई होप कर लिया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, या लाइक करना तो बनता या तो झटक से लाइक कर देना। तो चलो हम लोग ये सेकंड वाला कैरेक्टर देखते हैं। ये तो भाई बड़ा ही मस्त है, इसका आवाज बॉलीवुड वाले हीरो की तरह है। इससे ज्यादा हिंट में क्या ही दूं? तुम लोग जानते हो मुझे ये कार्टून बहुत ज्यादा ही पसंद है। तुम लोग को भी पसंद है तो झटक से बता दोगे, तो जल्दी से कार्टून का नाम नीचे कमेंट में लिख दो। भाई लगता है सभी लोगों ने लिख ही दिया है, क्योंकि ये जैक है वो बिल्ला जिसका आवाज सनी देओल वाला आवाज की तरह है बॉलीवुड से। क्या तुम लोगों ने ये बता दिया था? अगेन द कॉकरोचेस। बट उससे पहले आई वांट टू थैंक गांव मॉन फॉर सेंडिंग मी दिस PD1320 ड्राइंग टैबलेट, जो कि 13.3 इंच की मस्त डिस्प्ले टैबलेट है, जिसकी हेल्प से मैं ये एनिमेशन बहुत इजीली बना सकता हूँ। बॉक्स में टैबलेट, बिना बैटरी के चलने वाली पेन और भी अदर एक्सेसरीज निकली। इससे मैं अपने लैपटॉप पीसी कहीं भी कनेक्ट करके आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। इस पेन से ड्रॉ करना सच में बहुत स्मूथ है, देखो ना कितने मस्त से काम हो जाता है, और मैं अपना सिग्नेचर भी कर सकता हूँ। और ये चीज तो मुझे बहुत ही गजब की लगी। इसे हम टैबलेट का कवर भी बना सकते हैं और इसे रोल करके हम टैबलेट का स्टैंड भी बना सकते हैं। क्या गजब की चीज है ये। लैपटॉप का फुल स्क्रीन टैबलेट में दिखता है तो ड्रॉ करना कितना ईजी हो जाता है। अगर तुम लोगों भी यूट्यूब पे एनिमेशन ट्राई करना है तो जरूर से गाउमोन को चेक करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये PD1320 काफी सही टैबलेट है, इसमें डिफरेंट कलर्स भी है लाइक पिंक, व्हाइट एंड ब्लैक। ये बहुत ही लाइट वेट है तो इसे हम आसानी से ले जा भी सकते हैं। गाउमोन के पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अफोर्डेबल टैबलेट हैं। अभी 30 अप्रैल तक इसमें 31% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी से ले लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सही है भाई, अभी हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं कार्टून कैरेक्टर। इससे तुम लोग कार्टून का नाम मुझे बता दो कमेंट में। ये वाला सबसे ज्यादा फेवरेट कार्टून है मेरा, इतना ज्यादा देखा है मैंने इस कार्टून को। और ये वाला कैरेक्टर वो एक बिल्ले को बहुत मारता, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता, मतलब मैंने तो पूरा हिंट ही दे दिया होगा। तुम लोग जानते हो यार, जल्दी से बस अब बता दो, बस जल्दी से बता दो। भाई लगता है सभी लोगों ने आंसर किया है, क्योंकि वो ये वो डॉगी है जो टॉम को बहुत मारता है, टॉम एंड जेरी से। यस गाइस, क्या ये डॉग को तुम लोगों ने देखा है? कितना मजा आता है यार। सही है भाई, लगता है ये भी तुम लोगों ने बताया है। तो अभी ये वाला बता दो, ये शायद थोड़ा सा टफ है या फिर ये थोड़ा ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके कपड़े को देख के तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन ये कैरेक्टर रोंदू है और है बस। ज्यादा क्या बताएं यार, इस कैरेक्टर का नाम भी तुम लोग जानते होंगे क्योंकि कार्टून भी बड़ा फेमस है। डिंग 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 हिंट रिकॉर्ड दे दिया क्या मैंने, लगता है भाई तो बता दो भाई, जल्दी से बता दो। भाई इतना हिंट के बाद तो बता दिया होगा, यह है शिंजो, निंजा हथौड़ी का छोटा भाई। कार्टून का नाम ही है निंजा हथौड़ी। यस गाइस, पहाड़ों के ऊपर जमुना के पार, देखो अपने शहर आया यार क्या ये भी तुम लोगों ने बता दिया था गाइस, कमाल की बात है। तो चलो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट वाला कार्टून देख लेते हैं। ये भाई कैरेक्टर इतना गुस्सा दिलाता है ना मुझे, बहुत बार इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। अपनी अमीरी झाड़ता है यार ये, तुम लोग जानते हो इसे, तो बता दो कार्टून का नाम छटक छटक से एकदम।
क्या ये तुम लोगों ने बता दिया? क्योंकि ये है सुनियो फ्रॉम डोरेमोन। सुनियो के पास इतना पैसा है भाई, अपने पास क्यों नहीं है? ऐसा लगता है डोरेमोन की पॉकेट में भी उतना पैसा नहीं आएगा क्या? उतना पैसा है इसके पास, एक दिन इसका डाका डालेंगे इसके घर पे जाके। क्या ये तुम लोगों ने बता दिया था? तो चलो अभी थोड़ा सा और टफ कर देते हैं या फिर इजी कर देते हैं, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं, तभी तो पता चलेगा। ये वाले कैरेक्टर को तुम लोग बता दो कि कौन से कार्टून में था ये? ये भी बड़ा फेमस है, ये बंदूक हाथ में लेके घूमता है ये। इससे ज्यादा हिंट तो मैं क्या दूं, क्योंकि इसका नाम भी बहुत सिंपल है, अंग्रेजों वाला नाम है इसका। बस बता दो, जल्दी से बता दो। मैं लगता है ये भी तुम लोगों ने बताया, क्योंकि है जॉन द डॉन फ्रॉम मोटो पतलो। देखा है ना मोटो पतलो, बड़ा मजा आया है भाई मोटो पतलो में। क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था? तो भाई सही है यार, जल्दी जल्दी तुम लोग सारे बताते जा रहे हो। तो गाइज अभी ये वाला कैरेक्टर देख के कार्टून का नाम तुम लोग बता दो। ये भी बहुत फेमस रहा है कार्टून, इतना ज्यादा फेमस, मुझे बहुत पसंद था, हम लोग सबने देखा है। ये वाली फीमेल कैरेक्टर है, कार्टून का नाम इसके मेल वाले कैरेक्टर के नाम पे ही है। इससे ज्यादा हिंट तो क्या ही बताऊं, तुम लोग इस फीमेल वाली का भी नाम बता देना, मुझे बहुत पसंद थी। जल्दी से कमेंट कर दो। लगता है ये वाले कैरेक्टर का भी नाम तुम लोगों ने कमेंट कर दिया था, क्योंकि ये मिनी है, मिनी माउस, और कार्टून का नाम है मिकी माउस। सही है ना भाई, मिकी भाई मिनी पे फिदा था। क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था? ओके तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये तो बहुत ही पॉपुलर कार्टून है, तुम लोग सब इसका नाम जानते ही होगे। ये कैरेक्टर बहुत ही रोता है, इतना रोता है ये भी, लेकिन इसका आंसर तुम लोग को जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा आज भी सबसे ज्यादा फेवरेट वाला कार्टून है। तो जल्दी से नीचे कमेंट में बता दो। लगता है ईच एंड एवरीवन ने कमेंट किया है, क्योंकि ये कैरेक्टर है मसाओ, और वो भी सिंचैन कार्टून का शो का नाम है। यार कितना मजा आता है मसाओ को, सिंचैन बार बार रुलाता रहता है, मतलब वैसे नहीं रुलाता, वो अपने मजाक से रुला देता है, मतलब बहुत मजा आता है ये शो देख के अभी भी। क्या तुम लोग अभी भी ये शो देखते हो? तो भाई लाइक तो कर ही देना। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये वाला भी तुम लोग जानते ही होगे, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, तो इससे तुम लोग शो का भी नाम जानते ही होगे। आजकल ये नहीं आता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था, लेकिन तुम लोग को शो का नाम पता है, इसके नाम पे गेम भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो गाइस अभी सोचो और जल्दी से मुझे कार्टून शो का नाम नीचे कमेंट में बता दो। भाई लगता है यार सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बहुत सारे हिंट आ गए थे इसमें। तो ये कैरेक्टर है पिकाचू, जो कि है पोकेमोन का। यस पोकेमोन गेम भी तो बहुत पॉपुलर रहा था पोकेमोन को, उसमें हमें कितने सारे कैरेक्टर्स को पकड़ने पड़ते थे। क्या तुम लोगों ने पोकेमोन देखा है? मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। लेकिन अभी तो हम लोग नेक्स्ट वाला कार्टून शो का नाम देखते हैं। ये कार्टून भी काफी लोग देखते हैं, मैंने उतना ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हैं, इसलिए मुझे कैरेक्टर याद आ गया। तो अभी तुम लोग इस कैरेक्टर का नाम से शो का नाम बताओ, वैसे दोनों का नाम शायद सेम ही है, तो झटक झटक से बता दो, इतना बड़ा हिंट दे दिया है मैंने। भाई लगता है ये भी तुम लोगों ने बता दिया, क्योंकि ये है शिवा, शो का भी नाम शिवा ही है। Yes guys, ये तुम लोगों ने शो देखा है? मैंने ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखा है। नहीं लगता है ये भी तुम लोगों ने बता दिया है, कमाल की बात है। तो चलो अभी एक और लास्ट वाला हम देख लेते हैं। ये वाला भी शो बहुत ही रहा पॉपुलर, एक इंस्पेक्टर के नाम पे चल गया ये, उसी का छोटा रूप है क्या ये? मैं ज्यादा मैं नहीं बोलना था, वैसे भी कैरेक्टर देख ही रहे हो तुम लोग, शो का नाम भी समझ ही गए हो गई मुझे, शो का नाम भी समझ ही गए होगी, इजी है। तो सबके सब एक साथ नीचे कमेंट में मेरे को बता दो।
जैसे कि हिंट में था ये ऑलरेडी इंस्पेक्टर है और बहुत ही पॉपुलर नाम रहा है उस इंस्पेक्टर का, और ये उसका छोटा वर्जन है, तो यानी कि शो का नाम है लिटिल सिंघम। एस गाइस, क्या ये भी तुम लोगों ने बता दिया था? तो भाई बताना आज का तुम लोगों का स्कोर कितना रहा, तुम लोगों ने कितने सारे कार्टून गेस कर लिए थे, और कौन सा शो तुम लोगों का सबसे फेवरेट है। मेरा पर्सनली सिंचन रहा है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो अभी तुम लोग स्क्रीन पे आने वाली इमोजी को नेक्स्ट गेस कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में। बाय बाय।